हेलो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आपके पास कुछ नया बताने। दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही उपयोगी पौधा एक मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा के बारे में। ज्यादातर लोग अश्वगंधा के बारे में जानते होंगे क्योंकि कोरोना के वक्त में यह पौधा बहुत पॉपुलर हुआ था। काढ़े के रूप में बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। इसकी रूट्स का पाउडर आता है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन वह काफी महंगा होता है और ना जाने वह कैसे कैसे प्रोडक्ट यूज करते वह शुद्ध है या नहीं। तो इसलिए आप अपने घर में यह पौधा लगाएं और इसकी रूट्स भी यूज कर सकते हैं और ताजी पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत से फायदे हैं जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां बताई गई हैं जिनके नियमित इस्तेमाल से हम कई घातक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद में अश्वगंधा के भी कई गुण बताए गए हैं। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टी के साथ साथ और भी कई पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी स्ट्रेस गुण भी होते हैं जो स्ट्रेस फ्री करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसे घी या दूध के साथ मिलाकर सेवन करने वजन बढ़ने में मदद होती है। आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है जो कई गंभीर शारीरिक समस्याओं में लाभदायक है। अश्वगंधा का इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। रोज दूध के साथ लेने से आंखों के अलावा स्ट्रेस से भी बचा जा सकता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में बहुत असरकारी है अश्वगंधा का इस्तेमाल। कई रिसर्च में यह बताया गया है कि अश्वगंधा कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और कैंसर के नए सेल्स नहीं बनने देता। यह शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का निर्माण करता है जो कैंसर सेल्स को खत्म करने और कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट से भी बचाने का काम करता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।